हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रांशु एंड मम्मा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेस्ट लीकेज के ऊपर। जो न्यू मॉम्स होती हैं उनका ब्रेस्ट लीकेज क्यों होता है? अगर आप न्यू मॉम बनी हैं और आपको ब्रेस्ट लीक हो रहा है तो ये नेचुरल चीज़ है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप मदर नहीं हैं और आपको ब्रेस्ट लीक हो रहा है तो ये प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत हो है। अब बात करते हैं न्यू मॉम्स की। न्यू मॉम्स को ब्रेस्ट मिल्क लीकेज होता है, क्यों होता है? ब्रेस्ट लीकेज के दो कारण होते हैं, पहला फिजिकल और दूसरा हम कह सकते हैं कि इमोशनल कारण के कारण भी ब्रेस्ट लीकेज होता है। सबसे कॉमन कारण होता है कि जब आप फीडिंग कराना चालू करते हैं, जब ही आपकी न्यू डिलीवरी होती है तो आपकी बॉडी डिमांड एंड सप्लाई को समझने में लग जाती है और बॉडी मिल्क सप्लाई डिमांड से ज़्यादा करती है। हमारे हार्मोन्स को उस टाइम पता नहीं होता है कि हमें कितनी डिमांड है, तो उसके हिसाब से सप्लाई हो। जब मिल्क सप्लाई ज़्यादा होती है लेकिन बेबी उस दूध को उतना कंज्यूम नहीं कर पाता है, तब वो जो एक्स्ट्रा सप्लाई होती है उसे हमारी बॉडी मिल्क लीकेज के थ्रू बाहर कर देती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, मिल्क लीकेज की वजह से हमें ब्रेस्ट में इंगोजमेंट का खतरा नहीं होता है और ये बिल्कुल नेचुरल है। जब हमारी बॉडी ये समझ जाती है कि कितना डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई देनी है, उस वक्त ये प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाती है और ब्रेस्ट लीकेज होना बंद हो जाता है। अब बात करते हैं कि इमोशनल कारण क्या हो सकते हैं। कई बार जब हम अपने बच्चे से थोड़े दूर होते हैं या किसी काम में होते हैं, उस वक्त भी हमारा पूरा ध्यान अपने बेबी पर रहता है। हम अपनी बेबी के याद में इतने खोए हुए होते हैं कि हमारे जो बॉडी हार्मोन्स होते हैं जो मिल्क सप्लाई प्रोडक्शन करते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और हमारे ब्रेस्ट में दूध सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और ब्रेस्ट लीक की प्रॉब्लम दिखती है। ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई हेल्थ इशू नहीं होता है और ये एक टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। अब हमें समझना ये है कि इस दौरान हम जब हमें ब्रेस्ट लीकेज हो रही है तब हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप एक फीडिंग रूटीन या पैटर्न ज़रूर फॉलो करिए, जिससे कि आपका फीडिंग रूटीन सेट हो सके। बच्चे को जब बच्चा छोटा है उस टाइम उसे हर 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग देना ज़रूरी होता है, तो आप ऐसा एक अपना डे का और एक नाइट का रूटीन ज़रूर फॉलो करिए, जिससे कि आपकी बॉडी को भी समझने में आसानी होगी डिमांड एंड सप्लाई और आपकी भी ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे का भी पेट अच्छे से भरेगा। दूसरा, अगर आपको मिल्क लीकेज हो रहा है और आपका अभी भी कोई रूटीन या पैटर्न सेट नहीं हुआ है, तो आपको जब भी मिल्क लीक होता है आप ये अपने बेबी को ऑफ़र करिए, उसे दूध पिलाइए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क वेस्ट नहीं होना चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क बहुत कीमती माना जाता है। तीसरा, जब भी आपको लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है आप अपने ब्रेस्ट में ब्रेस्ट पैड का यूज ज़रूर करिए। ब्रेस्ट पैड हमेशा कॉटन के ही यूज करिए और हाइजीन को ज़रूर मेंटेन कीजिए। ध्यान रखिए कि जब भी पैड गीला हो तो आप उस पैड को ज़रूर चेंज करिए। याद रखिए ये कुछ हफ्तों में अपने आप ख़त्म हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है और ये एक तरह से देखा जाए तो बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि ब्रेस्ट लीक जब भी हो जाता है तो आपको ब्रेस्ट इंगोजमेंट होने का खतरा बहुत कम होता है। तो आप वीडियो में बताई बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए और ये कुछ हफ्तों में अपने आप ख़त्म हो जाएगा, बहुत नेचुरल चीज़ है, इसमें घबराने वाली कोई चीज़ नहीं होती है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।